तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द थर्ड एपिसोड ऑफ $1 million सीरीज। जी हाँ, आपको याद ही होगा भाई, हम 7 days के अंदर $1 million कमाने का चैलेंज कर रहे हैं, जिसमें भाई 2 दिन ऑलरेडी पास हो चुके हैं और आज है भाई day 3। सो भाई लॉगिन करते हैं, लेट्स सी भाई क्या है, कितने पैसे पे मैंने छोड़ा था पिछली बार। तो मैं ऐसा करता हूँ, होटल में ही चलता हूँ एंड मेरे को ये बोनस भी मिल रहा है, ठीक है। एंड भाई आप देख ही सकते हो भाई, मेरे पे सिर्फ $3 lakh हुए हैं अभी भाई। 2 दिन बीत चुके हैं और अभी भी मेरे पास सिर्फ 3 लाख ही हैं। तो आज तो भाई हमें एक नया तरीका ढूंढना पड़ेगा पैसा कमाने का, वरना बहुत दिक्कत होने वाली है। क्योंकि अभी तो हमें $7 lakh भी कमाने हैं, साथ में भाई हमें घर भी लेना है यार अपने लिए। हमारे पास कोई घर नहीं है, गाड़ी हमने लास्ट एपिसोड में ली थी, लेट्स सी कि भाई उसकी डिलीवरी हो गई है या फिर नहीं हुई है, बाकी हमें घर भी लेना है। तो सबसे पहले तो यार मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरे पास सामान था ना काफी ज्यादा, मतलब अभी तो नहीं है लेकिन जो मेरा बीच मार्केट पर सामान पड़ा है ना भाई, मैं उसको सबसे पहले सेल कर देता हूँ एंड उसको सेल करके भाई देखते हैं कितने पैसे हम कमा पाते हैं। क्योंकि मेरी ऑफलाइन भाई एक बायर से बात हो रही थी, जो कह रहा था कि भाई तुम्हारा सामान खरीद लूंगा काफी सारा, क्योंकि उसको नीड रहती है, वो ये सब खरीदता रहता है। तो भाई हमें चलो फाइनली एक बायर मिल गया जिसको हम सामान बेचकर अपना पैसा कमा सकते हैं। बाकी यार मैंने अभी तक इन्वेस्टमेंट मैंने स्टार्ट नहीं करी है, तो वो भी कर देता हूँ। इन्वेस्टमेंट अपन लगा देते हैं भाई डे टाइम की 2 hours ही, क्योंकि भाई जैसा कि मैंने चैलेंज में पहले भी बताया था, मैं इसमें एक दिन में सिर्फ 2 hours ही खेलने वाला हूँ। ये मैंने अपने पर लिमिट लगा रखी है, अगर ये लिमिट नहीं होती तो मैं अभी तक खूब सारे पैसे कमा भी चुका होता, क्योंकि फिर और भी बहुत सारे तरीके आ जाते हैं। बट मैंने अपने पर 2 hours की लिमिट लगाई है, तो इसलिए मेरे को उसी में ही करना है। खैर मैं ऐसा करता हूँ, मेरे पास जो स्कूटर है मैं उसी का यूज़ करता हूँ एंड यहाँ से निकलते हैं भाई अपन। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले अनाउंस करना चाहता हूँ कि GTA 5 का गिव अवे हो रहा है भाई। थोड़ा सा लेट हो गया मैं अनाउंस करने में, बट अब फाइनली हो रहा है एंड उसके लिए पार्टिसिपेट करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। डिस्क्रिप्शन में मैंने ग्लीम की वेबसाइट का लिंक दे रखा है, जहाँ से आपको अपनी ईमेल आईडी और नाम डाल के रजिस्टर करना है। फिर वहाँ पर ना 2 टास्क होंगे, अगर आप उन टास्क को करते हो तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, और अगर जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उतने ज़्यादा चांसेज जीतने के। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज इसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं एंड सिर्फ 20 winners ही होंगे GTA 5 की कॉपी के, जो उनको रॉकस्टार गेम्स लॉन्चर का कोड मिलेगा। 30 June तक इसके रिजल्ट्स अनाउंस किए जाएंगे एंड 2 से 3 दिन के अंदर सबको कॉपीज मिल जाएंगी। मैं सबको सामने से मेल करने वाला हूँ एंड हाँ, सबसे मैं पूछने वाला हूँ कि क्या आपके पास GTA 5 चलाने के लिए डिसेंट लैपटॉप या फिर PC है या फिर नहीं है। बिकॉज अगर नहीं है देन भाई क्या फ़ायदा लेने का, किसी और पे अगर वो डिसेंट सेटअप है भाई तो उसको ज़्यादा सूट करेगा, तो इसलिए मैं विनर चेंज भी कर सकता हूँ। खैर भाई अभी पार्टिसिपेट करो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से एंड अब शुरू करते हैं मेन वीडियो को। लेकिन अभी तक आपने ग्रैंड आरपी खेलना शुरू नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करो, वहां पर जाओ, लिंक पे क्लिक करो, फ्री में रजिस्टर कर लो एंड ग्रैंड आरपी का लॉन्चर डाउनलोड कर लो, जिसके बाद आप EN2 या फिर EN3 किसी भी सर्वर में आ सकते हो और हमारी असैसिन फैमिली जरूर ज्वाइन कर लेना। तो भाई सबसे पहले ना मैं ऐसा करता हूं, शॉप ही रेंट कर लेता हूं, होपफुली भाई मेरे को आगे की शॉप मिल जाए। अच्छा ये सब सामान भी तो मेरे को पहले हटाना पड़ेगा, ठीक है। ये भाई ये सब जो मेरे पास सामान है ना, ये मेरे हिसाब से 1.5 लाख तक का सामान है भाई। तो खैर इसको मैं रेंट पे लगा देता हूँ, एक शॉप में रेंट कर लेता हूँ कोई मिल जाए तो। भाई अब इस भाई इतना सुबह सुबह भी सारी शॉप्स रेंटेड है भाई, इवन आके तक की रेंटेड है यार। भाई क्या फ़ायदा यार इतना, भाई यहाँ तक रेंटेड है भाई, मतलब कितने लोग ऑनलाइन है यार। अभी शॉप मेरे को कभी मिलती नहीं है, लगता है बिल्कुल ही सुबह सुबह लाइक सर्वर रिस्टार्ट पे आना पड़ेगा शॉप लेने के लिए। ये शॉप भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। ओके ये है यस 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 यस, इसको ले लेते हैं। और इस बार मैं भाई 3 घंटे के लिए लेने वाला हूँ, क्योंकि मैंने पिछली बार 2 घंटे के लिए ली थी बट 1.5 घंटे में ही ख़त्म हो गई थी, तो इसलिए भाई मैंने जो है 3 घंटे के लिए ले लिया शॉप, ताकि भाई चले पूरा आराम से। और भाई लेकिन कौन सी शॉप ली थी मुझे याद ही नहीं है, कौन सी शॉप ली थी मैंने, शायद ये वाली थी, हाँ यही वाली होगी। अरे नहीं ये वाली भी नहीं है, अरे कौन सी शॉप थी भाई, हाँ ये वाली शॉप थी, ये वाली है भाई शॉप अपनी। अच्छा तो क्या खरीदोगे? मैं स्क्रैप मेटल ले रहा था, मुझे चाहिए था वो, इसे फ्यूल माइन कर दिया। ठीक है ले लो स्क्रैप मेटल। कॉपर भी चाहिए आपके? कॉपर हाँ दे दो, अभी वो इवेंट है ना समर इवेंट, तो उसके लिए चाहिए होता है। अच्छा कॉपर और ये फ्यूल और वो चाहिए क्या, कैनिस्टर्स और ये एमराल्ड? कैनिस्टर तो नहीं, कैनिस्टर आप गाड़ी में डाल देना, एमराल्ड दे सकते हो आप। नहीं नहीं वो वाला है जो वो सोलर केरोसिन होता है वो। ओ हाँ वो, हाँ वो भी कन्वर्ट हो सकता है ना। हाँ हाँ वो भी कन्वर्ट हो जाता है समर इवेंट में। दे दो ठीक है मेरे को ऑफर करना। तो भाई अभी क्या ना देखो समर इवेंट चल रहा है और मेरे पास जो ये सब चीज़ें हैं ना, स्क्रैप मेटल एमराल्ड और ये सब कॉपर जो हैं, ये सब ना लोगों के काफ़ी ज़्यादा काम आती हैं, तो इसलिए भाई इनका ना ये क्या है कि ये इनके बिकने के चांसेस हैं एंड इसलिए मैं इनको बेच देता हूँ। लेट्स सी भाई इन सब के मेरे को कितने पैसे मिलने वाले हैं। ये 4 चीज़ें मैंने लगाई हैं और भाई मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यार कम से कम 1.5 लाख तो मिल जाए यार कम से कम। लेट्स सी भाई कितने मिलेंगे। मैं इसका टोटल 150 के दे रहा हूँ। ठीक है तो 150 के में बात हुई है भाई, 1.5 लाख मिल जाएंगे
लगाएंगे तो चलो ठीक है यार, 1.5 लाख अपने को मिल रहे हैं, नॉट बैड। हाँ भाई 1.5 लाख ही सही डाला है पैसे, तो चलो यार एटलीस्ट ये सामान तो हमारा बिक रहा है भाई, बिक गया भाई, बढ़िया बढ़िया, चलो भाई थैंक यू। तो यार जो बाकी का सामान था ना, जैसे कि एमरल्ड वगैरह, वो सब तो कन्वर्ट करने के काम आ जाता है, उससे गोल्ड कॉइन्स बन जाते हैं, जिससे जो भी ग्राइंडर्स होते हैं समर इवेंट के लिए जो ग्राइंड कर रहे होंगे वो कुछ खरीद सकते हैं। अदरवाइज जो स्क्रैप मेटल है ना भाई, उससे आप मशीन्स बना सकते हो एंड उसमें रिसोर्स फ्यूल डाल के भाई काफ़ी सारा आइटम्स बना सकते हो जो कि बाद में सेल हो सकता है, तो इसलिए उसके भी काम आ जाता है भाई स्क्रैप मेटल। खैर भाई हमारी जो शॉप थी ना, मैं ऐसा करता हूँ उसमें अभी बाकी का सामान भी लगा देता हूँ जो जो मेरे पास है, जैसे कि ये तो वैसे बिकती नहीं है, तो समर्स की टी शर्ट है, ऐसा करता हूँ इसको पहन लेता हूँ मैं। हाँ ये भी ठीक है भाई, इसको पहन के रखते हैं अपन, और जो ये वाली हमारे पास टी शर्ट है ना इसको बेच देंगे अगर बिकेगी तो। कितने की बिकेगी? मेरे साथ 1000 की लगा देता हूँ भाई अगर बिक जाए तो, कि मैं ऑलरेडी टी शर्ट मिल गई। ब्रांडेड हुडी नहीं बिकेगी, लेकिन एक केला बिक सकता है। केला कितने का बिकेगा भाई? कितना? 200 रुपये का? यार रहन दो भाई, अपने काम आ जाएगा भाई, खा लेंगे। इसको मैं लगा देता हूँ भाई पेंट बलून को, ये क्या पता भाई 40,000 में लगा देता हूँ, क्या पता बिक जाए। और बात रही भाई हेल्थ किट तो अपने काम आएंगी, लेवल 2 पिकेक्स भी भाई अपने पे ही रखते हैं, मास्क भी अपने पे ही रखते हैं, असैसिन्स मास्क, ठीक है भाई। तो ये सब सामान अपने पे रखते हैं, अभी हमारे पास ज़्यादा कुछ है नहीं भाई सेल करने के लिए। मैंने एक बार वहाँ पे जाता हूँ पोस्ट ऑफिस में, वहाँ पे सामान आ रखा होगा सेल करने का। बाकी यार मैं ऐसा करता हूँ बैंक भी एक बार जाता हूँ, और भाई ये सारा पैसा ना अपन बैंक में डाल देते हैं कभी चोरी वोरी हो जाए, और देखते हैं भाई कि हमारे पास कितने ज़्यादा पैसे अभी आ चुके हैं। तो भाई 2 लाख जो हैं वो 2 लाख नहीं बल्कि 2,40,000 मैं बैंक में डाल देता हूँ, एंड भाई हमारे पे हो चुके हैं भाई 4.5 लाख रुपये। यस भाई फाइनली भाई 4.5 लाख रुपये होगा भाई, इस एपिसोड की तो शुरुआत अच्छी हुई है, लग रहा है आज हम पैसे कमा लेंगे। मैं तो सोच रहा हूँ भाई आज घर वगैरह भी खरीद लेते हैं, लेकिन सबसे पहले ना ऐसा काम करता हूँ कि एक बार ना यहाँ पे जाता हूँ और अपना नाम चेंज करता हूँ, क्योंकि भाई जो मेरा नाम है ना, अगर मैं उसको उस नाम को रख के मैं एड्स वगैरह डालूंगा तो फिर कुछ होना नहीं है भाई, लोग जो है वो समझ जाएंगे कि मैं कौन हूँ और फिर भाई मैसेजेस आने लगेंगे। तो इसलिए ऐसा करता हूँ, पहले मैं देख लूँ मेरे पास कुछ इलीगल सामान तो नहीं है ना। नहीं है भाई, और अब चलते भाई गवर्नमेंट, एक बार नाम चेंज करते हैं। मेरे को लगा था कि भाई बहुत पैसे लगेंगे नाम चेंज करने में, लेकिन फिर मेरे को किसी ने बताया कि भाई जैसे कि अभी हम नए हैं ना, हमारा लेवल बहुत कम है, तो इसलिए हमारा सस्ते में ही नाम चेंज हो जाएगा। एंड भाई ट्रेड मार्केट पे कुछ बिका? यस भाई फाइनली भाई वो भी बिक गया, पेंट बलून जो मैंने डाले थे वो भी बिक गया, एंड उसके आप देख सकते हो 40,000 के करीब कुछ आ चुके हैं, थोड़े से कमी आए क्योंकि टैक्स कटता है, लेकिन भाई आ गए और हमारे पास 43,000 हो गए। और एक और चीज बिकी है भाई 1,000 रुपये की, मुझे लग रहा है वो शर्ट भी बिक गई, क्या बात है भाई, हमारा तो सभी कुछ बिक गया भाई, आज की शुरुआत अच्छी हुई है भाई, हमारे पास 5 लाख रुपये अप्रोक्सीमेटली हो चुके हैं। मैं तो सोच रहा हूँ घर खरीद लेते हैं जाके ये भाई, क्योंकि फिर हमें ना गाड़ी वगैरह रखने की दिक्कत भी नहीं होगी और मजा आ जाएगा। मतलब यार घर तो होना चाहिए भाई, सोचो हम अपने day 3 पे ही घर खरीद लेंगे, कितनी बड़ी बात होगी। अब day 1 पे हमने पैसे कमाए, day 2 पे हमने काम किया और day 3 पे सीधा घर आ गया। चलो लेट्स सी, पहले देखते हैं, पहले नाम चेंज करवाता हूँ, उसके बाद देखेंगे भाई कि हमारे बजट में जो कोई घर है भी या फिर नहीं, क्योंकि यार घर भी तो महंगे हो रखे हैं, देखना पड़ेगा ना कि 2-3 लाख में कोई घर मिल जाए, क्योंकि इससे ज़्यादा तो भाई खर्च कर ही नहीं सकते। हमारे पास है ही टोटल 5 लाख रुपये, और उसमें भी अगर आप सारे पैसे घर में लगा दोगे तो फिर क्या ही फ़ायदा, थोड़े तो अपने पे रखने पड़ेंगे ना, क्योंकि अभी तो भाई हमें 1 मिलियन तक पहुंचना है। चलो भाई यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे इसे ना अपन नाम चेंज करवाते हैं। अपना नया नाम भाई क्या रखना है बताऊंगा नहीं मैं आपको, हाइड कर दूंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्या रखना चाहिए। ओके, तो सिर्फ 5,000 में ही अपना नाम चेंज हो रहा है, क्या बात है भाई, मुझे तो लगा था पता नहीं कितने पैसे लगेंगे, सिर्फ 5,000 में ही अपना काम हो गया। यस फाइनली, मैं एक बार चेक करूँ मेरा नाम, तो हाँ भाई हो चुका यार फाइनली नेम चेंज, और अब हम बिना किसी दिक्कत के यार फैमिली भी ज्वाइन कर सकते हैं, किसी को पता ही नहीं लगेगा। तो ऐसे करते हैं असैसिन फैमिली में वापस से ज्वाइन कर लेता हूँ, क्या पता भाई उसमें अपने को जो है, क्योंकि ना असैसिन फैमिली ज्वाइन करने से फायदा है कि भाई गाड़ियों वगैरह का एक्सेस मिल जाएगा, और वो ना अभी एक अनऑफिशियल फैमिली है, तो मैं वहाँ पे जाके ना फिर इलीगल मार्केट्स भी एक्सेस कर पाऊंगा। तो असैसिन फैमिली ज्वाइन करने के लिए मैं सिंपल होटल पे चला जाता हूँ, वो मैंने जाने अनजाने में एक बैटल पास का टास्क भी कर दिया, चलो बढ़िया ही है। खैर मैं एक फैमिली ज्वाइन करता हूँ, तो यहाँ पे भाई असैसिन फैमिली ज्वाइन करेंगे अपन, ये रे भाई 2,200 लोगों को एक, भाई क्या बात है, चलो अपन ज्वाइन करते हैं, एक बंदा और बढ़ा देते हैं। और भाई लिखा आ गया कि भाई नए मेंबर ने फैमिली ज्वाइन करी है, नाम जो है और आईडी जो है वो तो ऑब्वियसली ब्लर हो रखा होगा, बट भाई किसी को पता नहीं लगा कि भाई मैंने फाइनली फैमिली ज्वाइन कर लिया है। चलो भाई अब ऐसे करता हूं, एक बार ना पोस्टल जाके देखता हूं, वहां पे शायद अपना सामान आ रखा होगा जो मैंने लास्ट टाइम बैटल पास से जीता था, एक बार चेक कर लेता हूँ वहाँ पे है या नहीं है। एक ऐड तो आया भाई, सेलिंग एन अपार्टमेंट इन 2.5 मिलियन, भाई इतने पैसे किस पे है भाई, मैं तो सस्ते वाला देखना पड़ेगा। अच्छा कोई भी पैकेज नहीं है, मुझे लगा भाई पैकेज आ रखे हैं। एक बार चेक करूँ अपने बैटल पास में कुछ है क्या, ये रिसीव्ड, ये भी रिसीव्ड है। यार ये गन्स वगैरह गए कहाँ? अच्छा एक ये गन अभी आई है, यार मेरे पास ये भी तो थी असॉल्ट राइफल, ये गई कहाँ पे? यार ये समझ नहीं आ रहा कि ये गई कहाँ, बाकी तो ठीक है भाई, चलो
हमने को एक रिवॉल्वर मिली है भाई, तो रिवॉल्वर भाई कितनी है भाई, 5 रिवॉल्वर मिल गई भाई, क्या बात है। तो चलो यार अच्छा हमने असैसिन फैमिली ज्वाइन कर ली, क्योंकि अब असैसिन फैमिली एक अनऑफिशियल फैमिली है ना, तो अब भाई अब हम लोग जाके ब्लैक मार्केट में इसको बेच सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ भाई, ब्लैक मार्केट ही जाता हूँ, वहाँ पे एक बार दुकान वकान खरीद लेता हूँ। बाकी यार जो हमारी असैसिन फैमिली है मैं उसमें भी एक बार डाल के देखूँ कि क्या पता कोई खरीद ले, क्योंकि अगर हमारे यहीं पर बिक गया तो फिर हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना वो शॉप वॉप रेंट करने की, आसान हो जाएगा। खैर भाई मैं इतने चलता हूँ यार कोई घर देखने, अगर हमें घर मिल जाए तो बढ़िया हो जाएगा। वैसे हमने जो लास्ट टाइम गाड़ी ली थी एक बार वो भी तो देख के आऊँ कि वो हमें मिल रही है या फिर नहीं मिल रही। तो पार्किंग कोई पास में है? ये वाली पार्किंग पास में है। I'm taxi man. Where you need to go? Man. Yeah. I'm taxi. Where you need? No. I just need to go nearby only. No problem. I swear I'm taxi. No problem. Thank you brother. Taxi but I'm private taxi, you know. Bhai banda. Where are you go? ये बंदा मेरे को जबरदस्ती बाइक पे बिठाने के लिए कर रहा है भाई। क्या क्या आदमी है भाई ये, मैं जब मैं कह रहा हूँ नहीं बैठना मेरे को टैक्सी में, वो पीछे ही लग गया भाई बंदा। क्या भाई पागल आदमी है ये, निकल गया। मैं कह रहा हूँ भाई टैक्सी में नहीं बैठना भाई, कुछ ना कुछ पंगे ही करता है मेरे साथ, इसलिए मैंने कहा कि भाई नहीं मैं नहीं बैठा भाई टैक्सी में। ओके भाई तो यहाँ से ना अपन पार्किंग में गाड़ी स्पॉन कर लेते हैं। अपना दिक्कत है कि यार पार्किंग में गाड़ी स्पॉन करने के लिए ना अपने को पैसे देने पड़ेंगे, पर कोई बात नहीं भाई क्या ही कर सकते हैं। ये बॉडी है हमारे पास, इसको हम लोग एक दिन के लिए करते हैं और 1000 रुपये। चलो अच्छा भाई ये सस्ती वाली पार्किंग है, इससे सस्ती पार्किंग तो कोई खैर मिलती नहीं है, तो चलो ये अच्छी चीज़ है भाई। अपन जो है सस्ते में हमने गाड़ी पार्क कर ली और अब हम इसको चला सकते हैं भाई। तो ये भाई हमारी फर्स्ट कार एक तरीके से कह सकते हो, क्योंकि तो भाई हमने अपने पैसे से खरीदी है बिल्कुल फर्स्ट कार, जो अपने कमाए हुए पैसे हैं। तो मतलब इतनी अच्छी नहीं है अब ऑब्वियसली भाई, तुम कहो यार कोई सुपर कार ले लेते कुछ ले लेते, बट भाई ठीक है भाई अपना काम चल जाएगा। इसमें पूरी ट्रंक स्पेस खाली रहती है, तो इसमें हम काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं और उसकी स्पीड भी ठीक ठाक है, और वो स्कूटर से तो बेटर ही है भाई। कितना लोग टक्कर मारते हैं भाई, इसको भी टक्कर मार रहे लोग। अरे बुगाटी वाले निकल जाना भाई चुपचाप, क्यों बंगे ले लिया है, असली आईडी से आओ भी। खैर भाई अब चलते हैं अपन रियल एस्टेट एजेंसी और वहाँ पे देखते हैं भाई कोई घर हमें सस्ते में मिल रहा हो तो। अरे भाई अरे यार अपना देखो दिक्कत ये है कि इसका ना इंश्योरेंस नहीं हो रखा, और इंश्योरेंस नहीं हो रखा तो भाई अगर इसको ठोकोगे वोकोगे ना तो फिर इसकी इंजन की लाइफ भी कम होगी और चोरी भी हो सकती है। वैसे चोरी तो कौन ही करेगा भाई इतनी सस्ती गाड़ी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ भाई इसका ना इंश्योरेंस करा ही लूँ, वरना ये ना ठुक ठुक के भाई इसका इंजन ख़राब हो जाएगा और फिर काफ़ी बर्बाद चलेगी। और इंश्योरेंस कराने में और नंबर प्लेट लगाने में भाई और कम से कम 5-10 हज़ार का खर्चा आ जाएगा। सस्ती गाड़ी का फ़ायदा ये कि भाई इंश्योरेंस सस्ता होता है, बट स्टिल भाई खर्चा तो आ जाएगा और पेट्रोल का भी खर्चा है। खैर चलो कोई बात नहीं, अभी के लिए अपन घर देख के आते हैं, क्या पता भाई कोई सस्ता घर आ रहा हो। वैसे तो बड़ा ही मुश्किल है भाई इतना सस्ता घर मिलना, बट फिर भी लेट्स सी। सेल द हाउस पे जाते हैं। ओके भाई ये सब तो महंगे महंगे घर हैं, 4 मिलियन का घर, 4.5 मिलियन का। ओ भाई इतने इतने महंगे, 190 मिलियन भाई, 1000 मिलियन क्या, कितना भाई सस्ते घर देते मेरे को। मैं सोच रहा हूँ यहाँ से ना फिल्टर में कमी कर देता हूँ, इसको कम कर देते हैं अपन। 50 हज़ार में तो कोई भी नहीं है भाई, 5 लाख में भी कोई घर नहीं है। ओ भाई 1.3 मिलियन से सस्ता कोई घर ही नहीं है भाई। ये रेंट पे अवेलेबल हैं 2 घर, रेंट वाले घरों का मैं क्या ही करूँगा भाई रेंट पे लेके। बाकी यहाँ ऑक्शन में देखूँ तो ऑक्शन में है भाई ये 2,15,000 का घर है, ये हम नहीं ले सकते। 3,30,000 ये घर भी है और ये वाला घर भी है भाई 1,20,000 का। यार ये वाले सस्ते घर हैं, ये हम ले सकते हैं, बट ना दिक्कत ये है कि भाई इनको हमें ऑक्शन से ख़रीदना पड़ेगा। ऑक्शन में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे भाई आ रखे हैं कुछ सस्ते वाले घर, बट ये घर भी ना यार जब तक ऑक्शन ख़त्म होगी बहुत महंगे हो चुके होंगे। देखो ये वाला तो ऑलरेडी महंगा हो चुका, 3,63,000 का है और ऑक्शन ख़त्म होते होते बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके होंगे भाई। ये घर भी देखो 4 मिलियन का पहुँच गया, जो कि एक्चुअली में 2-3 लाख का ही था, और ये घर भी भाई 1,20,000 का था, ऑलरेडी भाई 5.5 लाख का हो गया है। तो भाई घर खरीदना तो बड़ा ही मुश्किल काम हो रखा है, और ये सोचो भाई इतना छोटा सा घर है ये बेकार सा, ये भी 5 मिलियन का मिल रहा है भाई, घर तो बहुत ही महंगे हो रखे हैं, अपन तो खरीद ही नहीं सकते। मुझे लग रहा है फिर घर का ड्रीम ड्रॉप ही करना पड़ेगा जब तक अपन जो है कुछ और पैसे ना गंवा लें, या फिर हमें कोई अच्छा सेलर ना मिल जाए जो कि सस्ते में कोई घर बेच रहा हो। यार हमें कोई भी घर चलेगा, हमें बस सस्ता सा एक घर चाहिए टिकाऊ सा, ताकि अपन जो है गाड़ी वाली स्टोर कर पाएँ और थोड़ा बहुत काम कर पाएँ। खैर अभी मेरे को कोई फैमिली में तो मिला नहीं यार मेरी रिवॉल्वर्स ख़रीदने वाला, तो ऐसा करता हूँ फिर मैं ना ब्लैक मार्केट में ये शॉप रेंट करके कर देता हूँ। और वेट, एक ऐड आया हायरिंग वर्कर्स फॉर सोलर पैनल प्लांटेशन। भाई अगर ये मेरे को मिल गया ना तो मैं इससे ईजी 10-12 हज़ार कमा सकता हूँ। आई एम इंटरेस्टेड फॉर सोलर प्लांटेशन, हाउ मच मनी भाई बता, पैसे कितना देगा, साफ सीधी सी बात है।
सीधा पॉइंट के मुद्दे की बात लाते हैं अपन। चलो भाई ये मैसेज देख के होपफुली रिप्लाई कर देगा, और अगर ये मिल गया तो भाई इजी 10-12 हज़ार बन जाएंगे अपने, क्योंकि फ़ायदा ये भाई, और मुश्किल से 2-5 मिनट का काम है। चलो भाई तब तक मैं आ चुका हूँ ये ब्लैक मार्केट पर, और यहाँ पे एक शॉप रेंट करते हैं। अरे यार ठोको मत भाई, इसकी वो ख़राब होती रहेगी, इंश्योरेंस नहीं हो रखा। चलो लेट्स गो, अंडर चलते हैं और एक शॉप को भाई रेंट पे ले लेते हैं। कोई शॉप खाली है भाई? अरे यार यहाँ पे भी कोई शॉप खाली नहीं होगी, पता है ये सारी शॉप्स में भाई सुबह सुबह ही सारी रेंट हो जाती हैं। अंदर की कोई शॉप होगी ये वाली, चलो भाई इसको ही लगा देते हैं। और मैं सोच रहा हूँ 2 घंटे के लिए लेता हूँ, क्योंकि भाई 1000 रुपये तो मैंने खर्च दिए, बट ठीक है अगर रिवॉल्वर्स बिक गई तो भाई फ़ायदा हो जाएगा। वैसे एक बार मैं चेक तो कर लूँ कि यहाँ पे रिवॉल्वर्स बिक कितने की रही हैं। अगर मैं रिवॉल्वर्स देखूँ, ओके ये रिवॉल्वर बेच रहा है भाई 6000 की एक रिवॉल्वर बेच रहा है, नाइस भाई। तो अगर हमारे पास 5 है तो हम 30,000 कमा सकते हैं। और ये रिवॉल्वर बेच रहा है भाई, ये तो 8,000 की बेच रहा है भाई, ये तो बहुत महंगी बेच रहा है। हम लोग कोशिश करेंगे कि सबसे सस्ते में लगा दे भाई, ताकि हमारी बिक जाए भाई। वैसे भी अंदर की दुकान है, वहाँ तक तो लोग भी इतने कम ही आएंगे। ओके इस पे भी रिवॉल्वर्स हैं, और ये बेच रहा है भाई, ये भी 6,000 की ही बेच रहा है। तो ठीक है भाई, फिर ऐसा करता हूँ 6,000 मेरे हिसाब से सही रेट है, 6,000 की लगा देता हूँ अंदर जाके, और इससे भाई अपने को 30,000 मिल सकते हैं अगर ये सारी बिक गई तो। ऐसा करता हूँ भाई एक एक करके लगा देता हूँ, और इसको ना मैं 5999 में लगाऊंगा भाई, शायद इजी रहे बेचना बेचना। अरे भाई गैंग वालों क्यों पंगे ले रहे हो मेरे से? अरे इसमें पीछे मत बैठ भाई, पीछे नहीं बैठना। अरे कहाँ फंस गया भाई? अरे तो फंस गया भाई, उतर जा भाई। ओके एक और मैसेज आया, हायरिंग सोलर पैनल प्लांटेशन इन 11,000, सेंड लोकेशन पे, कहता हूँ भाई लोकेशन भेज दे तो मैं आ जाता हूँ भाई। इसने तो रिप्लाई नहीं किया भाई हाउ मच मनी का, लेकिन एक और ऐड आया भाई, यही भेज दे भाई तो मैं जल्दी से करके आ जाऊँ, 11,000 मिल जाएंगे भाई मुफ्त के मजे वाले। खैर अपन भाई इसका ना एक बार ट्रंक खोलते हैं, इंटरेक्शन वे ट्रंक पे जाएंगे, और इसमें अपना सारा फालतू का सामान रख देता हूँ, जैसे कि ये और ये सब फालतू की चीज़ें भाई, इन सबको मुझे अभी कुछ नहीं करना, इन सबको इसमें डाल दो, और ये भी और ये भी, ठीक है। अरे मुझे लग रहा है ये बंदा डेट कलेक्ट करने के लिए आया मेरा, क्योंकि कि मेरे पे अभी भी 18,000 का डेट है जो कि मेरे को देना है। अच्छा वेट नहीं, मेरे पे नहीं आया, चलो ठीक है भाई बच गए, निकलो भाई जब तक सही है, जब तक डेट नहीं दे रहे जब तक काम चल रहा है भाई, दे दो चलते रहो, बाद में दे देंगे भाई फाइन्स। अरे एक तो बंदे मैसेज क्यों नहीं कर रहे, कहीं मेरा DND पे तो नहीं है? नहीं DND पे तो नहीं लगा हुआ, फिर बंदे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे भाई मेरे को? फॉर सोलर प्लांटेशन हे यू देयर, खैर ये लोग रिप्लाई तो करो भाई। खैर अब चल दो यार मैं ऑफिस, और इतने अपन देखते कि आज क्या टास्क हमारे पास आ रखे हैं, और उनको करके हम कितने पैसे कमा पाएंगे भाई। अगर ये 6 के 6 टास्क ईजी दे देना तो मज़ा आ जाए, लेकिन ये ना 2-3 टास्क ऐसे मुश्किल डाल देते हैं जिनको करना टाइम वेस्ट होता है, उससे लगता है कि भाई कुछ और ही कर लो इससे अच्छा। ओके अच्छा तो एक बंदे का मैसेज आया कि भाई ये 20 मिनट में कॉन्टैक्ट करेगा, ठीक है भाई। ओके लेट मी नो वेन यू नीड, चलो ठीक है भाई ये 20 मिनट में कह रहे हैं, तब तक हम कुछ टास्क वगैरह ही कर लेते हैं भाई। यहाँ पे जाते हैं, आई वॉन्ट टू नो अबाउट द ऑफिसेज, स्टेट ऑफिसेज, और यहाँ पे अपना भाई वही लेजी असैसिन का ऑफिस, ठीक है इससे करते हैं अपन कॉन्ट्रैक्ट। और भाई क्या क्या है, 10 सीडलिंग्स फ्रॉम फार्म, अरे 10 सीड्स बड़े मुश्किल है भाई 10 सीड्स ढूंढने। फिर है 1 पर्ल, अरे पर्ल ढूंढनी भी मुश्किल हो जाती है यार। 5 पीसेस ऑफ वुड, चलो ये तो फिर भी मिल जाएगा। 2 लोग की कार रिपेयर करनी है, ये भी इजी है। अच्छा फिर किसी से रेस जीतनी है, अरे 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 अरे, और 1000 की बेट लगानी है भाई अपने पे, हल्की फुल्की सी गाड़ी है भाई, इससे मैं क्या रेस जीतूंगा। और अरे सेंड अ पार्सल, अरे 10,000 में पार्सल, चलो पार्सल वाला तो इजी है। आज के टास्क भाई इतने बढ़िया है नहीं यार, मैं एक बार फोटो क्लिक कर लेता हूँ। अच्छा एक और बंदे का मैसेज आया कि भाई सोलर ख़त्म हो गए, थोड़ी देर में आपको बुलाता हूँ। ओके चलो भाई यहाँ पर मैं गैस स्टेशन पर आ गया, यहाँ से ख़रीद लेता हूँ भाई। 3 अपने को रिपेयर किट चाहिए होंगी, एक अपने लिए भी चाहिए होगी, फालतू लोगों के चक्कर में वो भी खत्म हो गई। अरे 500 रुपये की एक रिपेयर किट, ना भाई मैं यहाँ से नहीं खरीदने वाला, बहुत महंगी है। कोई और रिपेयर किट, कोई और गैस स्टेशन नहीं है इधर पास में? ओके ये वाला एक है, यहाँ पे चला जाऊँगा मैं भाई, ये तो बहुत महंगी है भाई, ये नहीं खरीदने का मैं यार, इतने में तो ना मेरी गाड़ी टो हो जाएगी और कोई उस पर फाइन लगा देगा भाई। ऐसा करता हूँ यहाँ पर ना एक मैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क कर देता हूँ, यहाँ पर वापस आ जाऊँगा और एक बार देख के आता हूँ भाई दूर वाले गैस स्टेशन पे, अगर वहाँ पे सस्ते में मिल जाए तो। बस तब तक कोई पुलिस वाला ना देखे, वरना वो पैसे ले लेगा, फाइन और लगा देगा भाई, गाड़ी को टो कर देगा। ओके भाई देखो यहाँ पे मिल रही है ना भाई सस्ती, सिर्फ 150 रुपये की एक मिली है भाई, और वहाँ पे पता है कितने की मिल रही थी? 500 रुपये की एक, तो हमने बहुत पैसे बचा लिए भाई यहाँ पे आके। चलो अच्छे भाई हम लोग यहाँ पे आ गए, और अब यहाँ से वापस चलते हैं अपनी गाड़ी पे। मैंने लोकेशन मार्क करी थी इधर वो की ये है, चलो भाई लेट्स गो भाई। वो ना एक्चुअली में डेट कलेक्टर है जो कि मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अरे भाई इतना डेट लेके ही मानेंगे भाई, ले लो भाई डेट। ब्रदर यू हैव डेट, ब्रदर यू व्हाट डू यू वांट, व्हाई आर यू गाइस फॉलोइंग मी, ब्रदर यू हैव डेट,
थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच भाई। ये बाइक वाला फिर से आ गया भाई, ये क्यों पड़े है भाई मेरे पीछे? पंचर करवा ली अपनी गाड़ी, हट बे, डेट लेके गया ना भाई, पंचर करवा ली भाई, भाई जबरदस्ती डेट लेने के पीछे पड़ गया भाई। तब मेरे पास वो तो गाड़ी ख़राब थी वरना मैं इनको भाई भाग जाता भाई। खैर यार, अब अपने को ना दो कार्स रिपेयर करनी है, इन लोगों ने ना काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट करवा दिया मेरा। ऐसा करता हूँ, एक ये दो गाड़ियाँ खड़ी है ना भाई, इन दोनों को रिपेयर कर देता हूँ, वैसे तो ऑलरेडी रिपेयर है बट कर देता हूँ भाई, क्या ही जा रहा है। ओके, इसकी गाड़ी, अरे रुक जा भाई, तेरी गाड़ी रिपेयर कर दूंगा भाई। एक तो इसकी गाड़ी रिपेयर करके दे रहा था, भाग गया बंदा। भलाई का ज़माना नहीं है भाई आज की डेट में, मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि ये जी वैगन वाला आ रहा है, ये रुकेगा ही नहीं भाई, उड़ाता हुआ जाएगा ये। रुक गया, ये तो वापस जा रहे हैं अंदर। अरे अंदर गाड़ियाँ ना, मैं उनमें से किसी एक को रिपेयर कर देता हूँ, चलो जल्दी से जाके ऐसा करता हूँ, इसे रिपेयर कर देता हूँ। चलो भाई, अपना ऑफिस का एक टास्क हो गया और अपने को मिल गए हैं 10,000। और अब चलते हैं भाई दूसरे टास्क की तरफ, जिसके लिए हमें पोस्टल जाना है और एक पार्सल भेजना है, जो कि बहुत ईजी आगे। चलो भाई यहाँ चलते हैं और इसको करते हैं, आई वॉन्ट टू सेंड अ पैकेज पे, नेपाल को भेज देता हूँ भाई, कुछ भी, हेलियो और नेक्स्ट, सेंड विदाउट आइटम्स, 500 रुपये लगेंगे और अपना एक और ऑफिस टास्क ख़त्म। यस, अब भाई हमें ना बेसिकली अगले टास्क को करने के लिए ना एक रेस करनी है, हमें रेस में जीतना है भाई सामने वाले से, और 1,000 रुपये की बैट लगानी है। अब भाई अगर मेरी जैसी खटारा गाड़ी है भाई, इसमें तो मैं रेस नहीं जीत सकता, तो मैं सोच रहा हूँ कि जो हमें 10,000 मिलेंगे ना ऑफिस टास्क के, उसको आधा आधा कर लेंगे, 5,000 हम उसको दे देंगे भाई, तो हमसे जानबूझ के रेस हार जा, ताकि भाई हमारा टास्क कंप्लीट हो जाए और हमें पैसे मिल जाए। बाकी यार इतने में जरा अपना अगर डेली टास्क देखो तो इसमें कुछ आ रखा है क्या? ये है भाई, बाय फूड फ्रॉम अ स्ट्रीट वेंडर ऑन द सम ऑफ 100, $100 का फूड खरीद रहे हैं, फिक्स टू कार्स दैट आर नॉट योर ओन। अच्छा, ये तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, यानी इस टास्क को करके मेरा ऑफिस टास्क भी हो गया और वो भी हो गया, और ये बाय एन आइटम फ्रॉम 24/7 स्टोर। अरे ये भी बहुत आसान है, ये वाले डेली टास्क भी मैं कर सकता हूँ, काफी ईजी हो जाएगा। चलो भाई इसको करते हैं, बहुत ज्यादा ईजी है भाई ये वाला भी। इसके लिए अपन जाएंगे भाई एक तो सबसे पहले हॉस्पिटल। अरे एक और मैसेज आया भाई सोलर प्लांटेशन के लिए वर्कर्स का, भाई इसको मैसेज डाल देता हूँ, क्या बता भाई यही मान जाए। ब्रदर प्लीज लीव मी ब्रदर, ये कह रहा कि इसे पास में ही जाना है। चलो कोई बात नहीं, इसे छोड़ देता हूँ भाई, मदद कर देते हैं, क्या ही जा रहा है भाई, वैसे भी पास में ही है, ज्यादा पेट्रोल मेरा खर्च नहीं होगा। अरे भाई थैंक यू ब्रदर, ऐसे क्यों कूद गया? चलो भाई जाओ भाई, मदद करते करते भाई हमारा काम नहीं होगा, अपने को भाई वापस जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। ओके, एक सोलर पैनल प्लांटेशन वाले का वैसे मैसेज आया है भाई, चेक करता हूँ कहाँ का जीपीएस है। मनी भाई बता तो दे कितने पैसे मिलेंगे। अच्छा आगे को जाना है थोड़ा, कोई बात नहीं भाई, मैं वहाँ पे चला जाऊँगा, बट तू 10-12,000 दे दियो भाई कम से कम, लेट्स सी उसका क्या मैसेज आता है, तो मैं इसी की जाके करवा देता हूँ प्लांट। 7K भाई, इतना कम भाई 7K में कौन कर रहा है भाई? 10-11 का रेट चल रहा है, 11K इज द रेट भाई, 7K में तो ना करने वाला मैं भाई, इतना कम पैसे। चलो कोई कुछ फूड आइटम खरीद लेते हैं, अपने को $100 का खर्चा करना है भाई, तो सबसे सस्ता इसमें क्या है, यही खरीद लेता हूँ भाई, हॉट डॉग एक ही खरीद लेता हूँ, हो जाएगा अपना काम। ओके, अपना एक और डेली टास्क हो गया, और अब हमें बस एक चीज़ करनी है, और वह भाई 24/7 स्टोर से कुछ भी खरीदना है। तो पास में कोई 24/7 स्टोर दिख रहा है क्या? ये वाला है वैसे, लेकिन ये महंगा होगा शायद, मैं सोच रहा हूँ सस्ते वाले के लिए मैं इधर चला जाता हूँ। अरे यार अब इस बंदे को भी कहीं जाना है, कहाँ जाएगा भाई तू, चल भाई तेरे को भी छोड़ देते हैं भाई। अगर मैं इसे छोड़ के आ रहा हूँ ना, तो इस बार इससे पैसे मांग लूँगा, क्या पता मेरे को दे दे ये पैसा भाई, क्योंकि भाई तब तक पेट्रोल खर्च करके भी तो जा रहा हूँ मैं छोड़ने के लिए, और अपना टाइम लगा रहा हूँ मैं, तो भाई पैसे तो बनते ही हैं। कैन यू गिव मी सम मनी भाई, ये तो इसे तो काफ़ी दूर जाना था, बिल्कुल पूरा ये तो शहर के दूसरे कोने पे आ गया, डॉक्स की साइड पे। भाई मेरे को किडनैप करके तो नहीं ले जाएगा? वैसे कुछ होना भी चाहिए मेरे पास जो किडनैप करे मेरे को। ये वैसे जगह वैसी है भाई, किडनैपिंग वाली जगह है ये। खैर इसको मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, इसने यहाँ पे लोकेशन लगाई थी लेफ्ट में, लेफ्ट में नॉट राइट नाउ, आई एम फ्रॉम बांग्लादेश। अस्सलाम वालेकुम, go back भाई ये कुछ दिक्कत ना कर दे भाई, वहाँ पे 3-4 गाड़ियाँ खड़ी थी भाई, दिक्कत ना हो जाए, क्या रहा है भाई, भाई ये कैसे तोड़ूँ मैं भाई, कहाँ जाने को कह रहा है ये, दिक्कत ना हो जाए भाई कुछ। अरे भाग गया भाई, पैसे तो दे दे, कैन यू गिव मी सम मनी। ओके ओके भाई, इतने कम पैसे दिए हैं इसने, भाई अपनी फैमिली में इनवाइट कर रहा है भाई, सिर्फ 3,000 रुपये दिए हैं इसने, 3-4,000 रुपये, क्या बे, इतने कम पैसे को मैं क्या करूँगा, छोड़ो भाई, मैं इसकी फैमिली अब मैं अभी लीव कर देता हूँ भाई, मेरे को नहीं रहना तेरी फैमिली में, तू जा यार। वैसे फैमिली चेंज करने से मेरी वो शॉप ना कैंसिल हो गई, जो गन शॉप मैंने ले रखी थी, मतलब इलीगल मार्केट में शॉप रेंट कर रखी थी,
भाई यार इसका ना पेट्रोल भी ख़त्म हो रहा है, तो पेट्रोल भी बनाना पड़ेगा। मैं ऐसा करता हूँ, वो जो सस्ते वाला गैस स्टेशन था ना जहाँ से हमने रिपेयर किट्स खरीदे थे, वहाँ पे पेट्रोल भी बहुत सस्ता होगा, वहीं से भाई खरीदते हुए जाता हूँ और फिर अपन आगे का काम करते हैं। ओके तो चलो भाई फुल कराते हैं। कितना पैसा लगेगा? अरे भाई 1280 रुपये लग रहे हैं भाई। चलो यार क्या कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा। तो ये रहा भाई 24/7 स्टोर। अब ये वाला स्टोर ना यूजुअली सस्ता होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। चेक करते हैं भाई चीज़ें सस्ती है यहाँ पे महंगी। हाँ भाई सस्ती चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे सस्ती चीज़ क्या हो सकती है जो अपन खरीद लें? सबसे सस्ता तो भाई यहाँ पे ये सिम कार्ड ही है, वरना ये फैब्रिक भी मिल रहा है यार। फैब्रिक का मैं करूँगा क्या, बट कुछ और सस्ता है यहाँ पे जो काम भी है हमारे? नहीं यार बाकी कुछ खास ऐसा सस्ता है नहीं। तो ऐसा करता हूँ भाई एक सिम कार्ड ही खरीद लेता हूँ। और यहाँ पे हमें कोई नंबर डालना पड़ेगा भाई, नंबर ऐसा कोई बढ़िया सा अगर नंबर डाल दूँ ना तो क्या पता भाई वो सिम कार्ड महंगा बिक जाए। भाई ये मैंने रखा है 6996696, ये मिल जाएगा? अरे किसी भाई कौन ले लेते हैं भाई, किस पे सेम दिमाग चल रहा है ऐसा? क्या रखा जाए फिर? 9669696969 ये भाई, ये भी ऑलरेडी किसने ले रखा है भाई, क्या बात है यार ये 9669696 भाई ये मिल जाए? ओ ये मिल गया। ओके सो वी हैव गॉट अ सिम कार्ड जिसका काफ़ी यूनिक नंबर है भाई। एक मिनट, वो सिम कार्ड तो मेरे में है ही नहीं। अच्छा वो ऑटोमेटिकली यूज़ हो जाता है, अरे यार वरना वो मैं बेच देता। चलो ऐसा करता हूँ भाई, मेरे जो हैं अगर आप देखो तो मेरे डेली टास्क तीनों कंप्लीट हो चुके हैं और अब मैं इसे टेक द प्राइस करता हूँ। एक मिनट, अच्छा ये सिर्फ 2 घंटे खेलने के बाद ही मिलेगा। ठीक है भाई 2 घंटे तो अपन खेलने वाले हैं, तो बाद में देखेंगे भाई क्या मिल रहा है। और यार बाकी ना मैं उसकी फैमिली भी लीव कर रहा हूँ भाई, सिर्फ 3000 दिए भाई उसने, इतनी गाड़ी चलवाई मेरे से उसने, सिर्फ 3000 दिए। हटो भाई, क्या भाई $0 है भाई तुम्हारे बैलेंस में? अरे भाई ये लोग तो गरीब हैं भाई, गरीब फैमिली में अपने को नहीं रहना, वापस असैसिन फैमिली ज्वाइन करेंगे अपन लोग। मुझे लगा था फैमिली ज्वाइन करूंगा तो थोड़े ज़्यादा पैसे दे देगा, बट उसने कुछ दिया ही नहीं। खैर भाई अगर मैं यहाँ पे आया हूँ ना तो ऐसे करता हूँ, वो जो हमारा एक ऑफिस टास्क था पर्ल वाला उसे मैं ट्राई कर लेता हूँ भाई, क्या पता हमें मिल जाए। तो ऐसे करते हैं क्योंकि यहीं पे पास में ही है भाई लोकेशन, तो लेट्स गो भाई, सामने ही जाना है अपने को। यहीं से ऐसे स्कूटर चला के जाएंगे भाई, टाइम लग जाएगा वरना। हमारे पास टाइम नहीं है भाई, 1 घंटा पूरा हो चुका है यार, सिर्फ 1 घंटा बचा है। ओके डैनियल क्रेग भाई साहब अपने को ये दे दो। अच्छा वैसे डाइविंग की जॉब शुरू कहाँ से होती है यार? हमने डाइविंग की जॉब भी तो शुरू करके आनी पड़ेगी। हाँ अब हमें देखो एक पर्ल ढूंढनी है ना, तो हमने देखो ये डाइविंग सूट तो पहन ही लिया है। अब मेरे को एक ना फॉसल मैप भी चाहिए रहेगा। मेरे पास ऑलरेडी फॉसल मैप नहीं है क्या? नहीं है। अरे अब तो मेरे को लग रहा है 24/7 स्टोर से ना मेरे को वही फॉसल मैप ही खरीदना चाहिए था, क्योंकि भाई उसका ही फ़ायदा है। खैर भाई अपन चलते हैं भाई। वैसे एक बार मैं अपनी ट्रंक चेक करूँ, क्या पता भाई मेरी ट्रंक में फॉसल मैप हो, क्योंकि मुझे याद है वो मिलता है शायद। एक बार रुको, अरे नहीं यार फॉसल मैप, या फिर तो मेरे को वही खरीद लेना चाहिए था, मैंने फालतू में सिम कार्ड पर पैसे खर्च दिए। चलो यहाँ से फॉसल मैप खरीदता हूँ। शो प्रोडक्ट्स फॉसल मैप भाई 1250 का है भाई, क्या कर सकते हैं। चलो काम आ जाएगा भाई फॉसल मैप जो है। अब इसमें ना मेरे को देखो चेक करना है कि भाई पर्ल की लोकेशन कहाँ है। इसको मैं लगा देता हूँ भाई यहाँ पे या 4 पे लगा देता हूँ। और पहले ना मैं फूड खा लेता हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत कम हो रखी है, वो जो फालतू में लोग पीछे पड़ गए थे उनके चक्कर में। और एक केला भी खा लेता हूँ भाई, अब मेरी हेल्थ काफ़ी हद तक सही हो गई। और अब भाई फॉसल मैप ओपन करते हैं। चलो भाई पर्ल्स कहाँ पे आ रखी है? तो यहाँ पे एक पर्ल है जिसके लिए मेरे को मैप के बिल्कुल नीचे जाना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं भाई अगर मिल गई ना पर्ल फिर मज़े आ जाएंगे। तो मैं एक बार ये ट्राई कर ही लेता हूँ भाई, क्या पता मिल जाए पर्ल। और भाई मैं यहाँ पे लोकेशन पे ही आ रहा था एंड अचानक से भाई सोलर वाले का भी मैसेज आ गया कि भाई आ जाओ, तो सोलर प्लांट करने चलते हैं। लेकिन ये क्या इतना दूर भाई, ये तो पूरा अक्रॉस द मैप जाना पड़ेगा यार, ये तो इतना दूर जाना पड़ेगा मेरे को सोलर प्लांट करने के लिए भाई, इसमें तो हालत ख़राब हो जाने वाली है। चलो यार 11000 कमाने तो भाई जाना पड़ेगा भाई इतना दूर। ऐसा करूँगा फिर ये वाली जो ड्राइवर वाली है ये मैं आके करूँगा अभी थोड़ी देर में, अभी के लिए तो मैं चलता हूँ यार। या ऐसा करूँ अगर मैं आया हूँ तो थोड़ा सा ढूंढ के चलूँ, क्या पता भाई मेरे को मिल जाए, थोड़ा सा ट्राई कर लेता हूँ, अगर नहीं मिला तो फिर ठीक है भाई फिर हम चले जाएंगे। यहाँ पे ना बेसिकली अपने को एक बॉक्स ढूंढना है जिसमें पर्ल्स होते हैं, तो वो जैसी बॉक्स मेरे को मिल जाएगा ना भाई मेरे टास्क कंप्लीट हो जाएगा और वो पर्ल्स को मैं सेल भी कर सकता हूँ अच्छे खासे रेट पे। तो यार बस वही ढूंढना है मेरे को, और वो ना इन झाड़ियों में छिपा हुआ होगा और उसे ढूंढना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन हमें नहीं पता। एग्जैक्ट लोकेशन वैसे हमें पता लग सकती है रिसोर्स स्कैनर से, लेकिन यार वो खुद अपने आप में 10000 का आएगा, और रिसोर्स स्कैनर को यूज़ करने के लिए भाई अपने को बैटरी भी यूज़ करनी पड़ेगी, तो वो उसमें बर्बाद हो जाएगा भाई, बहुत पैसे लग जाएंगे।
तो भाई यार मैंने काफ़ी देर तक पर्ल्स ढूंढे बट मेरे को मिले नहीं है भाई। और ना यही होता है यार, इसमें ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ढूंढना पर्ल्स, तो खासकर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हैं ढूंढने के लिए अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशंस याद ना हो तो। इसलिए भाई पर्ल्स वाला प्लान तो कैंसिल करना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ फिर सोलर प्लांट करने के लिए मैं उस बंदे के पास ही चला जाता हूँ, और बीच रस्ते में भाई मैं सूट भी हटा दूंगा। तो निकलने का टाइम आ गया बिल्कुल, हमें मैप के दूसरे कोने में जाना है। और फिर उसके बाद मैं ऐसा करूँगा कि सोलर प्लांट करने के बाद मैं लॉग वाला टास्क भी कर लूँगा ताकि अपना वो काम भी हो जाए, और वहाँ से तो हमें एटलीस्ट मिल जाए, तो हमें 20,000 के करीब तो और मिल सकते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ भाई जल्द से जल्द ड्राइव करके। तो चलो भाई मैंने अपना डाइविंग सूट उतार दिया है। बाकी मैं ना चेक कर रहा था कि मेरे पास ना शॉप में एक्चुअली में 100 शार्ट्स पड़े हैं, अगर मैं प्राइस में जाऊँ फॉर द शार्ट्स में तो 100 शार्ट्स पड़े हैं, जिसका मतलब मैं इनमें से कोई भी एक क्रेट खोल सकता हूँ। तो भाई मैं सोच रहा हूँ ये वाली क्रेट एक बार खोल के देख लेता हूँ, अगर किस्मत अच्छी रही तो मेरे को ये वाला बैग मिल जाएगा जो कि लेवल 4 बैकपैक है। तो भाई फिंगर क्रॉस जाए, अगर ये मिल गया ना तो मज़े आ जाएंगे, क्योंकि ये 3-4 लाख का बैकपैक है और तुम समझ ही गए फिर। तो भाई ओपन करते हैं, काश क्या मिलेगा, फिंगर्स क्रॉस जाए भाई। अबे यार क्या दे दिया ये भाई, आज किस्मत ख़राब है भाई, सही में पॉल भी नहीं मिला, ये क्या दे दिया भाई। बैकपैक तो इतना आसानी से मिल रहा है लोगों को और मेरे को ये मिला है, फियर एंड लोदिंग ग्लासेस। इसका करूँगा क्या भाई मैं, चलो पहन ही लेता मिला तो। कहाँ है भाई ये है, इनको तो मैं बेच भी नहीं सकता, बैकपैक एटलीस्ट मैं बेच तो सकता था भाई। लो मास्क में दिख भी नहीं रहे हैं ग्लासेस, चलो मास्क हटा देता हूँ भाई। लो भाई बिल्कुल गंजे सर पे, लो भाई क्या मस्त स्टाइल नहीं लग रहा भाई। ठीक है चलो ये पहन के घूमना पड़ेगा। बताओ यार अगर मिल जाता ना तो 3-4 लाख का सेल हो जाता, और अगर मैं उसे सेल भी नहीं करता तो अपने पास रख लेता भाई, क्योंकि वो काम आता। वो लेवल 4 का बैकपैक है, उसमें पूरी बहुत सारी स्पेस मिल जाती है। अरे भाई मैंने गलती से स्पाइक्स पे चढ़ा दी गाड़ी और लो भाई मेरे टायर गए। अब मेरे को इसका भी करवाना पड़ेगा भाई, इसका और खर्चा आ गया। चलो पहले यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ अगर यहाँ पे SHP पे आया ही हूँ तो कार का ना एक बार इंश्योरेंस और लाइसेंस प्लेट करवा ही लेता हूँ। Sir, as well as you don't have the license plate, can I issue the license plate as well? Yes. चलो भाई ये बंदा जो है अपने को इंश्योरेंस और लाइसेंस प्लेट दोनों सेल कर देगा। लाइसेंस प्लेट देखते हैं भाई कितने की मिल रही है। ओ 1350 की है, काफी सस्ती मिल रही है, अगर मैं वहां से शुरू करूं तो महंगी मिलती। चलो ये सही है, one second, और बाकी मैं ट्रांसपोर्टेशन भी एक बार रिपेयर कर देता हूं ताकि भाई उसके पहिए ठीक हो जाए। सर आई एम इशूइंग साइड वाले इंश्योरेंस एज वेल राइट नाउ फॉर 1 month। 2700 में अपने को इंश्योरेंस भी मिल गया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। चलो भाई अपना हो गया है काम, और मेरे हिसाब से 4000 के अंदर अपने को इंश्योरेंस और लाइसेंस प्लेट दोनों ही मिल गया। चलो अब यहाँ से चलते हैं, और अब हम लोग जाते हैं भाई उस बंदे के पास, सोलर पैनल वाले बंदे के पास। यार वैसे मैंने आधा घंटा लगा दिया उसके पास जाने में, तो एक बार पूछ लो कि वो बंदा है भी या फिर नहीं। भाई उस बंदे का रिप्लाई तो आया नहीं है कि वो अभी भी है या नहीं, लेकिन मेरे को चढ़ने के लिए ना चढ़ के पूरा यहाँ तक जाना है। अब यहाँ तक यार पहाड़ पे जाना पड़ेगा भाई, कैसे जाया जाएगा इधर। चलो यार इस गाड़ी को मैं चढ़ा देता हूँ, शायद है ना ऑफ रोडिंग की गाड़ी है, मतलब ये शायद ऑफ रोडिंग में आती है, तो मैं इसको चढ़ा सकता हूँ जहाँ तक मुझे लग रहा है। अगर नहीं चढ़ा सकता तो भाई देखा जाएगा, बट कोई नहीं मैं इस पहाड़ वाली रोड पे आ गया। और ये बंदा भाई कर कहाँ पे रहे हैं भाई, बिल्कुल माउंट चिड़िया ही चढ़ा देंगे भाई ये तो मेरे को। अरे अरे गिर गया भाई, चढ़ ऊपर चढ़ बंदा मैं गया नीचे भाई, जाऊँगा मैं नीचे। अरे रुक जा भाई। अरे यार बता यार कहाँ प्लांट कर रहे हो भाई, तुम मेरे से पूछते ना तुम्हें 10 जगह बता देता भाई, यहीं पर प्लांट करना तुम्हें ज़रूरी था। अरे भाई इतना मुश्किल है भाई यहाँ पे ऊपर चढ़ाना। चलता जा ऊपर चलता जा। बस थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा। चलो भाई आ गया रोड पे, अब आराम से भाई चला के लेके जाऊँगा। अरे भाई फिर से मैं नीचे आ गया। बताओ यार कितना मुश्किल है भाई, कैसी जगह पे भाई प्लांटेशन कर रहे हैं लोग भाई, कितना ख़राब रास्ता है भाई। वैसे मैं पास में ही हूँ लोकेशन के, थोड़ा सा नीचे की साइड जाना पड़ेगा मुझे। अरे लेकिन नीचे तो बिल्कुल ढलान है, सीधा गिरते हुए जाऊँगा भाई। आराम से ब्रेक लगा के जाता हूँ, एंड यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, मुझे लग रहा है ये शायद प्लांट करने देंगे मेरे को। यहाँ से भाई अगर प्लांट हो जाए तो अच्छा, भाई इतनी मुश्किल से पहुँचाऊँ ना मैं यहाँ पे भाई, अगर अब प्लांट नहीं होने दिया तो बड़ा दिमाग ख़राब होगा भाई। 11,000 चाहिए अपने को। ओके यहाँ पे वैसे लोग तो हैं। ओके इसने मेरे को एक सोलर पैनल दिया है, इसे प्लांट करते हैं, यहाँ पे कर देता हूँ भाई। ठीक है अब भाई 11,000 दे दे भाई मेरे को, बस 11,000 जल्दी फटाफट, जल्दी 50,000 में 61,000 हो जाने चाहिए, जल्दी। हाँ हो गए भाई, चलो भाई 11,000 मिल गए, कुछ तो हुआ भाई। ये पहाड़ वाले रास्ते से जाना पड़ेगा। अरे जो टैक्सी वाला आया था सोलर प्लांट करने, लग रहा उसकी टैक्सी भी ठुक गई। ब्रो यू ऑल राइट? क्या हो गया भाई, लग रहा उसकी टैक्सी ठुक गई।
नहीं नहीं आ रहा है पीछे भाई, इतने ख़राब रास्ते पे ये लोग प्लांट कर रहे हैं ना, क्या ही बताऊँ भाई, इतना मुश्किल था यहाँ से निकलना। चलो भाई अब ऐसे करता हूँ, मैं ना लॉगर जॉब पे जाता हूँ, वहाँ पे अगर मैं 5 लॉग्स इकट्ठे करूँगा तो मेरे को मिल जाएंगे उससे और 10,000 की एक और ऑफिस टास्क हो जाएगा, तो ऐसे करता हूँ वहीं जाता हूँ फिर। चलो भाई यहाँ पर आ गया और अब मैं करता हूँ गेट एम्प्लॉयड, और मेरे को ढूंढने 5 वुड के पीसेस, जिसके लिए मेरे पास सिर्फ 14 मिनट है, क्योंकि 14 मिनट में फिर 2 आवर्स कंप्लीट होने वाले हैं। सो लेट्स सी भाई मैं कर पाता हूँ या नहीं कर पाता, क्योंकि जब 5 वुड के पीसेस मिलेंगे तभी भाई मेरा टास्क कंप्लीट होगा एंड मेरे को मिलेंगे 10,000 या 12,000 जितने भी। बस मेरे को वही जैसे मैं पहले भी करता था, ये बोर्ड्स को उठाना है और इस लोकेशन पे छोड़ के आना है मेरे को, बस और कुछ नहीं है, तो इसलिए मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड ही कर रहा हूं। एनीवन नीड टू कॉन्ट्रैक्ट? एनीवन नीड टू कॉन्ट्रैक्ट? यू नीड टू कॉन्ट्रैक्ट? आई गिव यू कॉन्ट्रैक्ट। अरे ये बंदा कॉन्ट्रैक्ट दे रहा भाई, दे दे, चलो पैसा मिल जाएगा, एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे मेरे को कॉन्ट्रैक्ट लेने से। दे भाई क्या हो गया, भूल गया क्या? चलो मैंने उसका कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, अब इससे ना मेरे को थोड़े एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे, बट वो भी खैर कुछ फायदा नहीं। अपना मेन गोल तो अपने को वुडी इकट्ठा करने हैं 5 पीसेस, एंड 5 पीसेस इकट्ठे करने में भाई टाइम लग सकता है। अभी सिर्फ 12 मिनट बचे हैं भाई, मेरे को एक भी नहीं मिला है। चलो भाई फाइनली हमारा टास्क डन है। मैं आपको दिखाऊं तो भाई 5 टिम्बर हमारे पास हो चुके हैं और 75,000 के करीब हमारे पास कैश हो गया है। 2 घंटे पूरे हो चुके थे, उससे 5-10 मिनट ऊपर ही लग गए, बट यार 3 मिल चुके थे, मैंने सोचा कंटिन्यू ही करूँ भाई, पूरे ही करता हूँ। और अगर मैं जाऊँ इन्वेस्टमेंट पे तो यार वो भी कंप्लीट हो चुके होंगे। यहाँ पे टेक प्रॉफिट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे को 25,000 मिल गए भाई, 99,000 कैश हो गया। और डेली टास्क में अगर मैं जाऊँ तो भाई अब तो 2 घंटे पूरे हो गए ना, हाँ ठीक है भाई, डेली कंटेनर एक मिल चुका है, नाइस, अब आएगा ना मज़ा। यार ये डेली कंटेनर मैं ओपन नहीं करूँगा क्योंकि शायद ओपन करने का ज़्यादा पॉइंट है नहीं, अगर मैं इसको यूज़ पे क्लिक करूँ तो भाई डेली कंटेनर में ओपन नहीं करने वाला, 5,000 मिलेंगे और ये वरना कार मिलेगी, तो क्या होता भाई ये डेली कंटेनर थोड़ा सा महंगा बिक जाए, तो इसलिए मैं इसको रखने वाला हूँ। और अगर मैं अभी देखूँ अपने पास टोटल पैसे कितने हो गए तो मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूँ भाई, 5.5 लाख के करीब हमारे पास हो चुके हैं, जिसमें हमारे पास ये डेली कंटेनर भी पड़ा है, उसके अलावा हमारे पास वो रिवॉल्वर्स भी पड़ी हैं तो वो भी बिक जाएंगी। तो यार ठीक है यार, आज मेरे हिसाब से आज का दिन डिसेंट ही रहा, थोड़े हम और पैसे कमा सकते थे, 6 लाख के करीब हो जाते तो अच्छा रहता, बट कोई बात नहीं, फिर भी डिसेंट दिन रहा। आप बताओ भाई कैसी लगी ये वीडियो आपको, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई टाटा बाय बाय।